नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ थंकेबल एक्स के रो और कॉलम के बारे में, कि थंकेबल एक्स में आप रो और कॉलम को कैसे यूज करेंगे, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है x.thunkable.com। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे हम आ गए हैं, यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम उसका नाम दे लेते हैं रो कॉल। प्राइवेट क्रिएट नहीं होगा, प्राइवेट करने के लिए यहाँ पे आपको पता ही है अपग्रेड करना पड़ता है। तो फ्री वर्जन में आप पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं रो कॉल, और उसके बाद यहाँ पे हमारा इंटरफेस आ गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें कहाँ पे। अब देखिए, जैसे कि आप जैसे ही नीचे आएंगे लेआउट सेक्शन में, लेआउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा रो और कॉलम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें आप यहाँ पे रखते हैं स्क्रीन पे, वो वर्टिकली अलाइन होता है, वर्टिकल अलाइन होता है, मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें आप रख सकते हैं ऊपर और नीचे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें आपको रो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे दो चीज़ें हैं रो और कॉलम, तो रो जो होता है हॉरिजॉन्टली आप उसमें कोई चीज़ रखना है तो हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं, और जो कॉलम होता है वो वर्टिकली, मतलब वन बाय वन नीचे ऊपर नीचे रख सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप कोडलर पे वीडियो बनाते होंगे, कोडलर का आपको ऐप बनाते होंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट। तो सेम वैसे ही ये काम करता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं इसको उठा के ड्रैग कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं अगर जैसे मुझे मान लीजिए कि बटन रखना है कोई, तो मुझे बटन लेना है, तो यहाँ से मैं बटन उठा लेता हूँ और ये बटन यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, तो ये बटन जो है रो के अंदर आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया। और अब मैं दूसरा बटन उठा के रखूँगा तो देखिए ये इसके बगल में आएगा। या तो इसके पहले रख सकते हैं या तो इसके बाद में रख सकते हैं, क्योंकि ये रो है, रो में आप ऐसे ही रख सकते हैं बटन को। वन बाई वन कोई चीज़ रखनी है आपको, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट में रखनी है कोई चीज़, तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप बटन रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो ये ऐसे आएगा, तो इस तरीके से ही आएगा। और अगर आपको वन बाय वन ऊपर नीचे रखना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बटन को डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ से कॉलम को ड्रैग कर लेता हूँ इसमें, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको नीचे रख दिया कॉलम, ये सॉरी यहाँ पे देखिए इसके साइड में आ गया कॉलम। अब इसमें जो भी कुछ रखेंगे वो वन बाय वन नीचे आएगा, तो इसको आप मैं ऊपर रख लेता हूँ। ये देखिए इसको ऊपर आ गया हमारा कॉलम, और इस कॉलम में अगर मैं लेबल यहाँ ले लेता हूँ, इस लेबल में मैंने कॉलम में मैंने लेबल रख दिया। अब मैंने यहाँ पे रख लिया बटन, तो ये देखिए बटन इसके नीचे आ गया, ये इसके ऊपर आ गया, तो आप ऊपर नीचे कहीं भी इसको रख सकते हैं। ये देखिए बटन हमारा ऊपर नीचे आ गया, लेबल ऊपर हो गया, बटन नीचे हो गया। तो इसी तरीके से आप और भी कुछ रखना चाहते हैं, जैसे ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स आपको रखना है, तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हमने रख लिया, ये आ गया इसके ऊपर। अब कुछ भी आप इसके अंदर रखेंगे तो ये ऊपर नीचे ही आएगा। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपको किसी रो के बीच में कॉलम रखते हैं, कॉलम रखना है उसको यूज करना है, तो कैसे करेंगे वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से सिंपल आपको क्या करना है, ये जो कॉलम है इस रो के अंदर आप रख दीजिए। यहाँ पर देखिए इसके बीच में आ गया, ये अलग डिवाइड हो गया और ये अलग बटन अलग आ गया। अब इसमें जो भी आप कुछ रख जो कुछ भी रखेंगे ऐसे ही यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से ये रो और कॉलम काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि रो और कॉलम कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।